वेलकम बैक। मैं पानी पीती रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पानी जिंदगी है, तो आप लोग भी पिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास टाइम कम है, मैंने कॉल्स के लिए जरा सा रोका हुआ है कि क्योंकि आप क्लियर नहीं हो रहे बात को। एक तो हमारी आई साइट पर बात काफ़ी डिटेल में गई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो भी आपको बुलाएंगे टॉपिक्स के साथ बुलाएंगे, क्योंकि आज आपको इंट्रोडक्शन था और आज एक इंट्रोडक्शन आपका 4 बजे होने वाला था, वो क्या है? 4 बजे मेरा एक फ्री लेक्चर होता है जो मेरे इंस्टीट्यूट में होता है। जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उसे एड्रेस मिल जाएगा जी आपका। बिल्कुल ओके। वो 4 बजे मेरा फ्री होता है, एक लेक्चर होता है जो एवरी डे होता है कि नहीं, सिर्फ सैटरडे को 4 बजे होता है। एवरी सैटरडे? हाँ, पहला जो था वो जुमेरात को होता था, अब सैटरडे को होता है। 4 बजे जो है ना लोग आ जाते हैं वहाँ पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ लेक्चर नॉलेज लें, बिल्कुल नॉलेज है, और आपकी बुक से भी नॉलेज लेनी चाहिए। जबरदस्त किस्म की बुकें हैं, और अभी अभी मुझे पता चला ये एक बुक नहीं, 7 बुक्स आपने लिखी हैं। और आप यकीन करें कि मुझे इस तरफ मर्ज किस लाइन ने किया है बुक्सों ने, और बहुत सारी बुक्सों में बहुत सारी गलत चीजें भी होती है, तो प्लीज जब आप किसी और को ये चीज दे रहे होते तो अपने तक पहले चेक करें, क्योंकि आप मास्टर लेवल पे हैं और आप उसको रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारी बुकों में मैंने कुछ ऐसी एनर्जीज पढ़ी है जो नेगेटिव जा रही है। बिल्कुल सही। सो मैं आपको गाइडलाइन करूंगी कि टीवी पे कोई भी आ जाता है, चाहे मैं चाहे कोई, मैं भी एक हर्बलिस्ट हूँ, लेकिन जहाँ आप देखें कि कोई भी टेंशन पॉइंट्स आपको रिलीज करी हमारे पास आने से, तो प्लीज उसको उससे क्लियर जरूर करें डॉक्टर से कि ये ऐसा क्यों हुआ, कहीं हमारी दवाओं में कार्टिज़न तो नहीं है, किधर कोई बैड एनर्जी तो नहीं दी जा रही है। एक हीलर मैंने देखा है, काफी मशहूर हीलर है, मैं किसी को बदनाम करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। पहला रेकी का स्टेप किया, आपका आगे का ऑरा उसने बंद कर दिया, फिर आप तकलीफ में गए उसके पास कि भाई ये तो और वर्स्ट हो गया, तो आप बोले सेकंड लेवल करें। फिर उन्होंने 2 और ओरे खोले, 7 ओरे होते हैं आपको पता है, तो 3 ओरे आप थर्ड एनर्जी पे, आप पैसे दिए जाओ। सॉरी डॉक्टर साहब, जरा प्रोफेशनल लाइन से हटके है बात, लेकिन अगेन जब मैं अपने प्रोग्राम में बुलाती हूँ तो मुझे बताएं कि इसके चार्जेस कितने होते हैं जो आप ये जो स्पेशल सिखा रहे हैं? रेकी का तो कोई चार्जेस हम नहीं लेते, फ्री देते हैं। बिल्कुल फ्री देते हैं। ओके गुड। और आज जो है ना लेक्चर भी वो फ्री है हमारे, फिर उसमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी फ्री होते हैं, समुदाय हीलिंग एनर्जी में ये सारा कुछ आते हैं जी। समुदाय हीलिंग एनर्जी में, समुदाय हीलिंग एनर्जी भी हमारे कोई ऐसा कोई खास चार्जेस नहीं है। अच्छा। मैं 4 डे देता हूँ, लोग 1 डे क्लास देता है रिकी का, उसका तकरीबन 12 भी लेते हैं। अच्छा। और अगर आप बाहर से करेंगे तो वो तो बहुत महंगे पड़ते हैं, लेकिन मेरा जो है ना वो रिकी के मास्टर कोर्स भी आ जाते हैं उसी में, यानी मास्टर कोर्सेज पे, और मैं 3 दिन लगातार उनके साथ क्लास देता हूँ, उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से सारा कुछ। नहीं, वो प्यार मोहब्बत पे ही काम होता है। एक तो आपको एक टीचर हील नहीं करता, और वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो जगह चला रहा है, तो मेरे हिसाब से आप एनर्जी अपनी भी लॉस्ट करते। जो मैं एक देखें, एक आमिल जो खुदा तरस इंसान है और इंसान को एक वजीफा देता है, कोई दुआ देता है, कुछ पढ़ के देता है, लेकिन जिस दिन से उसने पैसे लेना शुरू किया, आप उसका भी एक रोजगार है, तो एक बार आप उसके बैग में आप पैसे रख के जाएं जो उसने बॉक्स रखा हुआ है, तो वो एक नेचुरल, क्योंकि उसका भी रोजगार है, उसकी भी फैमिली है, उसके भी पीछे जो है ना आटा और घर वगैरह, काम तो नहीं करना चाहिए। 20,000 ले लिया, 50,000 ले लिया, आपका ये काम 50 में हो जाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये आपकी एनर्जी लॉस्ट होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी में एक हीलर से जब काम करवाया था, कोई टेंशन जिंदगी में थे तो उन्होंने फ्री किया था, वो काम यूं हो गया, मैंने अपनी खुशी से जो मुझे देना था मैंने उनके बॉक्स में डाला, जो मेरी हैसियत थी और जो मुझे इसका रिजल्ट मिला। कोई भी इंसान किसी का खाता नहीं है कि उसकी जिंदगी में एक हेल्प लाइफ आ गई, लेकिन जब वही हीलर मैंने जब दूसरों को भेजा, तो एस के मैं टीवी पे थी तो उन्होंने शायद मुझसे नहीं लिया था, लेकिन जब मैंने दूसरों को भेजना शुरू किया तो मुझे पता चला किसी से 7,000 लिए जा रहे, किसी से 20,000 लिए जा रहे, तो उनकी हीलिंग उधर काम नहीं। डॉक्टर साहब, आप जब समुदाय हीलिंग एनर्जी इंशाल्लाह आपको सिखा देंगे, तो उसमें जो ऑल काइंड अफ्रीका आप यानी ग्रैंड मास्टर कोर्स आपके होता है, दुनिया में ग्रैंड मास्टर का साई अभी तक किसी को नहीं मिला है। हम आपके प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको दे दूंगा, और आपने जरूर लोगों का ट्यून करना
करना माशाल्लाह आप इतने एक्टिव, मुझे बहुत खुशी हुई। और आपको ये भी बता दूं कि हम रिटार्डेड बच्चों का इलाज फ्री करते हैं, शुगर का इलाज फ्री करते हैं। मुझे ये एनर्जी स्पेशली रिटार्डेड बच्चों के लिए, आप मुझे हील कीजिएगा। अल्लाह ने जो और वो इतने गरीब होते हैं कि वो आपके पास आ ही नहीं सकते या किसी के पास, तो हम जरूर उन पेरेंट्स को देंगे। यही वजह है कि आपके सच्चे दिल से वो जो बातें निकलते हैं इतने कॉन्फिडेंस से, तो ये बात है सर। अच्छा ये देखें कि ये एक इस वक्त चल रहा है सिंगारा, सिंगारे के नाम से, प्लीज इसको फोकस करें, मुझे नहीं कैमरा, इसको फोकस करें बिल्कुल और करीब ले आए मेरे सामने बिल्कुल। ये देखें ये सिंगारे होते हैं साबुत, ये देखें साबुत सिंगारा, अगर इसको डायरेक्ट आप जूसर में डाल के और इसके साथ मौसम्बी का थोड़ा जूस, थोड़ा अनार और थोड़ा एप्पल और 20-25 ये काला काला जूस हो जाएगा, कलर को ना जाए। वेट रिडक्शन, अर्थराइटिस, एंटी एलर्जीज का काम करता है। एंटी एलर्जी फाइबर होती है, जबरदस्त फाइबर। और यकीन करें शुगर पेशेंट अगर ये खाए तो जोड़ों का दर्द खत्म होगा और जो मसल्स और बोन्स का कनेक्शन लिंक टूट गया वो इनसे बनते हैं। ये सिर्फ एक महीने रहते हैं, रोज का पाव या आधा किलो आप रॉ खा सकते हैं, जैसे ऐसे छिल के, ऐसे छील के, ये देखें ऐसे छील के खा सकते हैं, ये आम से मिलते हैं बाजार में। अच्छा। और उबाल के ना खाएं तो ज्यादा अच्छा, सब्जी वालों के पास होते हैं। हाँ, और ठेले वाले भी लेके घूम रहे होते हैं, और मैं प्रेफर करूंगी कच्चा खाएं। तो अभी इसका छोटा सा एक फॉर्मूला है, छिलेंगे। अगर आपके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और बच्चों में इस वक्त एनर्जी डालें, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है दुनिया का, मिट्टी भी बहुत बड़ी हुई है और धुआं भी बहुत बड़ा हुआ है। सिंगारे बिल्कुल आप बारीक बारीक काट लें, पिस्ते बादाम थोड़े से, और बिल्कुल आप ये देखें डॉक्टर साहब इसको खा के देखें। इसका इंग्लिश में नाम क्या है सिंगारे? अरे अभी इसका नाम ना पूछेगा। अच्छा। इसका इंग्लिश का नाम मैं अभी जहन में था, जहन में भूल गई हूँ मैं जी जी। मैं अपने नेट पे बता दूंगी या किसी और प्रोग्राम में। अभी खा सकते हैं बिल्कुल कच्चा खा सकते हैं। बारीक बारीक आपने इसको काटा, पिस्ते बादाम काटे और उसके साथ आपने थोड़ा सा अंजीर दो डाल दी, खजूर दो डाल दी, दो चार खजूर डालें, सबको बारीक बारीक काटें और दूध में पका लें। थोड़ा सा कोकोनट भी डालें क्योंकि वो एक बूस्ट करता है एनर्जी को, और अगर फ्रेश कोकोनट छिलका उतार के खाना, नहीं नहीं हाँ छिलका उतार के वाइटनिंग खाएं, और अगर जूस पीते हैं तो साबुत का पिए। इनको पूरा आप बारीक बारीक काटें और सुबह में निहार मुंह, ये रात से पूरा तैयार करके रखें, सुबह में सवेरे बच्चों को कपड़े पहनाने से पहले एक प्याला पॉरेज की तरह आप इसको खिला दें। ओट मिल्क भी आप इसमें डाल सकते हैं, यकीन करें कि हड्डियों में नेचुरल गुदा रिसोर्स करता है, इट्स वेरी टेस्टी। खाली इधर से मैसेज देना है कि करेला भी मीठा है, ये करवा नहीं है, खाली यहाँ से वाइटल एनर्जी उनसे लें कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव करके खाना है और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव करके बांटना है। हीलिंग्स चाहे सुकैना की हो, चाहे कोई भी, चाहे किसी भी चीज में शफा मिलता हो, आप लें बिल्कुल। और उसमें आपको अपनी सोल और अपना ईमान उस पे अकीदा रखना है, और आप यकीन करें कि जब आप सच्चे दिल से काम करते हैं तो कुदरत आपको नहीं छोड़ती है। एक छोटा सा वाक्या करके एंड करूंगी, थैंक यू वेरी मच। वाक्या यूं है कि तीन बच्चे थे और एक टीचर ने उनको तीन मुर्गियां दी तीनों बच्चों को, और उसे बताया कि जाओ बेटा वहां जाके काटो जहां आपको कोई देखता नहीं है। तीनों बच्चे गए अलग अलग जगह पे, दो बच्चे मुर्गी छुप छुपा के कहीं से काट के आए और अपनी स्टोरी बताई, यहां से मैंने यूं छुपाया, वहां से मैंने यूं छुपाया। एक बच्चा जिंदा मुर्गी लेकर आया तो डॉक्टर उनके जो टीचर ने पूछा कि ये मुर्गी तुम जिंदा क्यों लेके आए, तुम्हें तो काटने का ऑर्डर था। तो बोला आपने कहा कि जिस उस जगह पे ले जाके करें जहां आपको कोई नहीं देख रहा हो। मैं तो जिस जगह पे गया अल्लाह मुझे देख रहा था, मैं कैसे उसको चीट करता। तो अल्लाह आपको देख रहा है, आपकी नेकी आपकी ईमानदारी आपके साथ होनी चाहिए। 100 रुपया 1 करोड़ के काम आता है, 1 करोड़ की हैसियत रखता है अगर आप ईमानदारी से कमा रहे हैं। प्लीज हम पाकिस्तानियों के लिए मैसेज है कि ईमानदारी से कमाएं, थोड़ा भी बहुत करके मिलेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़।